हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर को ऐड कैसे कर सकते हो। सब्सक्राइबर ऐड करने का एक अलग ही फ़ायदा है। जैसे कि आपने अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड की, तो जो बंदा आपकी वीडियो को देखेगा, जब उसे दिखेगा कि आपके सब्सक्राइबर बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो आपकी वीडियो को ओपन करने से पहले ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप में वो टैलेंट नहीं है ही नहीं, इसलिए लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है। लेकिन जब आप अपने सब्सक्राइब को हाइड कर दोगे, तो आपके जो भी सब्सक्राइब हैं वो किसी भी व्यूज, मतलब देखने वाले को दिखेंगे नहीं, और उसे लगेगा आप एक अच्छे यूट्यूबर हो, तो आपकी वीडियो को ओपन करके ज़रूर देखेगा। इससे क्या है कि आपकी वीडियो का व्यूज टाइम बढ़ेगा और लाइक भी आएंगे, और वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। ये एक अपना एक फ़ायदा होता है सब्सक्राइब ऐड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे यूट्यूब ओपन करना होगा और उसे डेस्कटॉप पे लगा लेना होगा। जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, ये देखिए मैंने लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे लास्ट में ऊपर कोने में देखो चेहरा, ये आपके चैनल का प्रोफाइल दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अपने देखो यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करना है। अब जो आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल गया, अब आपको नीचे लास्ट में देखो ये सेटिंग का सिंबल दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब ये आप ओपन करोगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई देंगे, एक जनरल का, एक चैनल का, एक अपलोड का, एक परमिशन का, एक कम्युनिटी का, सॉरी पांच। इसमें से आपको सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, जो चैनल है। जो अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, दिखाता हूँ आपको। इस पेज पे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग, ब्रांडिंग और फीचर एलिजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका नया पेज ओपन होगा, इसको आपको ऊपर करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है कि आपकी वीडियो 18 साल से कम लोगों के लिए है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अनु पर क्लिक करोगे, फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर काउंट, जैसा कि मेरा हाइड किया हुआ है पहले से ही। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पर इसमें राइट टिक का ऑप्शन आ रहा लिखा होगा, तो आपको उसे अनटिक कर देना है। अनटिक करके नीचे देखो ये लास्ट में ये सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सेव कर देना है। जब आप सेव कर दोगे तो आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो सब्सक्राइब दिखते हैं वो व्यूअर को बिल्कुल नहीं दिखेंगे, और इससे उसे पता नहीं रहेगा आप न्यू यूट्यूबर हो या पुराने हो। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए।